एनटी और विजय समाज के लोगों के बच्चे। विजय भटके विमुक्त कहते हैं हम मराठी में। कौन सी कैटेगरी है जानू जाए इसमें जो गवर्नमेंट नहीं होते वो घर जो है भटकते रहते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स, तो उस ट्राइब से ये बच्चे आते हैं। और इनकी खासियत है कि लगभग इनमें से 99% बच्चे अपने पीढ़ी के पहले सीखने वाले बच्चे हैं। मुझे सिखाने का तो प्रॉब्लम तो बहुत है। अभी एक मीटिंग करके मैं आया हूँ अभी सतारा में, तो उनका सबका मेजर प्रॉब्लम हो कास्ट सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला। कास्ट सर्टिफिकेट उनको मिला नहीं, तो इसके बारे में अभी हमारा सरकार कुछ कर रही है। जितनी जल्दी हो सके उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा उसका बेनिफिट उनको भविष्य में मिले होगा। इसके वास्ते अभी एक मीटिंग करके मैं आया हूँ। तो उनके पीढ़ी में कोई सभी अनपढ़ है, कोई शिक्षा नहीं, और उनका रहने का घर तो स्थिर नहीं। ऑल ओवर इंडिया समझो, ऑल ओवर महाराष्ट्र में भटकते रहते हैं। उनके माँ बाप छुट्टी के जब आधी छुट्टी लगने वाली तभी आते हैं या तो जून में आते हैं उनको छोड़ने के लिए। अभी उसको यहाँ उनका खाना पीना रहना और शिक्षा का काम हमारे स्कूल करके पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ते। प्रॉब्लम ये रहता है कि पहली से चौथी तक अगर बच्चा सीख जाए तो समझ जाता है शिक्षण का शिक्षा का महत्व क्या है, तो बाद में वो छूटता नहीं है। लेकिन पहली से समझो चौथी या पांचवी तक वो छूट गया तो वो अनपढ़ रह जाता है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि छोटे बच्चे उनको देखभाल अच्छी करें तो आएंगे ऐसा सुन क्या। अभी हम हर महीने में पूरे जिले में या पूना हो सतारा हो कोल्हापुर हो हम उनके घर जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि तुम्हारे बच्चों के लिए सरकार ने इतनी बहुत बड़ी सुविधा दी है तो आओ और बच्चे यहाँ छोड़ कर जाओ, हम उसके परवरिश करेंगे और परवरिश के साथ उनको अच्छी शिक्षा भी देंगे। दो टाइप की शिक्षा होती है, एक तो उनका फैमिली बैकग्राउंड जैसे कि हमारे पढ़े लिखे लोग वो लोग होते हैं उनके जैसा नहीं रहता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग रहता है। तो हमें दो दो टाइप का काम करना पड़ता है। एक तो फैमिली का जो प्रॉब्लम रहता है इसके बारे में उनके मन में ये जो जो कुछ भी कठिनाई रहती है उनकी भाषा की कठिनाई रहती है, उनके फैमिली की जो झगड़ते रहते हैं उनके माँ बाप झगड़ते रहते हैं उनको लेके जाते हैं उनको। अभी कुछ माँ बाप के झगड़े के वास्ते कुछ लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो उनको हमें कन्विंस करना पड़ता है। आपको ये क्या मालूम उसको कि आपको ये कठिन लगेगा लेकिन हमारी ये तो हर साल की ये मुसीबत है। हमारी माँ बाप झगड़ते रहते हैं, माँ बाप बेसिकली इनको पूरे महाराष्ट्र से ढूंढ ढूंढ के बच्चे लाने पड़ते हैं क्योंकि इनका तो ठिकाना नहीं है, घर तो है नहीं, तो हर बार पता बदलता है। और छुट्टियां लगने के बाद ऐसा भी होता है कि कुछ पेरेंट्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं क्योंकि ठिकाना नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को तो ढूंढ के उनके पेरेंट्स के पास भी पहुंचाना पड़ता है। तो हर साल मतलब इनका ये तो टास्क होता ही है। ये तो अभी हमारा मोटापन बोलने के लिए नहीं कहा, ये तो हमारी ड्यूटी है, इसका हम पगार लेते हैं। लेकिन आपको ये आपको ये मालूम पढ़ने के वास्ते में नहीं बोला बच्चे अभी 100 बच्चे कुछ 10वीं कक्षा के बच्चे अभी एग्जाम होने के बाद गए और कुछ बच्चे नहीं आते तो परीक्षा के लिए तो उनका बुलाना पड़ता है। ये मतलब ये रहता है कि ये जो शिक्षा प्रवेश में उनको लाना पड़ता है। दूसरा कोई अभी ये जब बच्चे 10वीं तक पढ़ते हैं हमारा एक दूसरा स्कूल है यहाँ 11 और 12 कक्षा का वहाँ जाके पढ़ते हैं। तो मेन प्रॉब्लम इनका है कि इनके अभी हमारे मास्टर ने बताया है मास्टर ने अरेंजर से मैंने कि उनके किसी भी पीढ़ी में कोई शिक्षा नहीं, सब अनपढ़ है। इसके वास्ते वास्ते इनको शिक्षा का महत्व नहीं है, तो हम उनको शिक्षा का महत्व बताने का एक कोशिश करते हैं पहले कि शिक्षा का क्या महत्व है। और दूसरा तो उनका करिकुलम रहता है वो हम उनको पढ़ाते हैं। करिकुलम तो उनको समझ जाता है लेकिन वो जो अनपढ़ता है अनपढ़ता का उनका डब्बा है वो हमें निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी यहाँ हमारे स्कूल में आए हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। और मैम के मैम को हम हर बार दुआ इसलिए देते हैं कि
कोई ना कोई आया हमारे यहाँ, हम क्या करते ये देखने के लिए भी लोग नहीं आते देने का। तो देने का दूसरी एक अहम बात यह है कि ईटी की तरफ से हमने ये स्कूल क्यों चूज किया, अगर ये फर्स्ट जनरेशन है और इसको ही हम अगर बेस्ट अपडेट देते तो जो वक्त लगने वाला है अगली पीढ़ियों को उस कन्वीनियंट लेवल पे लाने के लिए वो बूस्ट हो जाएगा और इनके बच्चे सीधा अपने रेगुलर लेवल से पुट अप हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कैसे हम पूरी दुनिया का अपडेट इनके इसमें दे पाए कि वो ये बच्चे वो है जो एक अलग नजर से दुनिया देख सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि दुनिया अलग है और अभी ये तैयार है वो सब देखने के लिए, तो हमें जस्ट व्यू देने, इसलिए हम कुछ फॉरेनर्स को भी ला रहे हैं कि इनको वो पता चले कि कल्चर भी अलग अलग होता है, ऐसे नहीं कि हमारी ही भाषा अलग है या फिर हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी है जहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो सब या फिर जो मतलब हम स्किल वाला ये है वो देने के लिए, ये बच्चे सभी जंगल बॉयज हैं, हमें जितना मालूम नहीं इससे बहुत ज्यादा इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है जंगल और एनवायरनमेंट के बारे में। तो हमारा ये चल रहा है कि हम इनको जंगल एंजल्स बनाएं और अपनी दुनिया को दिखाएं कि यार देखो जंगल में भी कितना नॉलेज है। तो ये वो बच्चे हैं जो हमसे ज्यादा अपडेट है लेकिन ये वाले एरिया में नहीं, वो कुछ अलग इसमें, तो हम दोनों को एक करके इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये स्कूल चूज करने की वजह हमारी वो भी है कि जहाँ पे हंगर है वहां पे हम जाए ताकि वो सही से ये हो जाए। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि अनुजा मैडम का मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ, कोई करने वाला तो बहुत है लेकिन रास्ता राह दिखाने वाला ये क्यों होता है, इस रास्ते से चलो ऐसा करने वाले ये क्या आदमी है ये की मैम है, इसलिए हम उनका बार बार नाम लेते हैं। अभी आने जो मैडम ने ये प्रोग्राम अभी रुकने वाला नहीं है, ये 7-10 साल चलने वाला प्रोग्राम अनुजा मैडम ने किया है, उसमें उन्होंने हमें बहुत सारे बुक्स दिए, अभी उस बुक्स का हम लाइब्रेरी बनाने वाले, कपड़े दिए है, खेल का साहित्य दिया है, कंप्यूटर दिया है, प्रिंटर दिया है, ये जो काम है छोटी छोटी चीज़ें लगती है लेकिन हमारे लिए बहुत है, बड़ी बहुत बड़ी है। सिंपल एक प्रिंटर नहीं था हमारे स्कूल में, अनुजय मैडम ने हमें प्रिंटर दिया, वो अभी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो ये जो बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है, अनुजय मैडम का हम हर बार धन्यवाद देंगे और आपका आशीर्वाद हमें सदैव रहे और ऐसा ही काम आप करते रहे, इसी ये ईश्वर चरणी नमन करता हूँ, उनको प्रार्थना करता हूँ ईश्वर को। और हमारे वो बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं, वो भी इधर बुला के बुला भी वर्कशॉप के लिए तो सभी रहेंगे। अच्छा अनुजा मैम का आप स्कूल के लिए 2000 तालियां। आप में से कोई बात करें